की बात हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की है, फायदे की बात हम सब के लिए है कि बहुत ही सस्ते दाम में 35% मतलब अनिल जी मान लीजिए 30-35% का जो डिस्काउंट हो गया, अगर आप 110 पर दे रहे हैं तो बहुत ही बड़े डिस्काउंट पर हो रही है। $35 का डिस्काउंट आप कहां से गिन रहे हो देखना पड़ेगा। $35 का डिस्काउंट अगर 140 से गिन रहे हैं तो बहुत फायदा नहीं, लेकिन $35 का डिस्काउंट करंट प्राइस से अगर कहीं से आप गिने तो ये बड़ी बात होगी। अगर समझो $110 है, अगर वहां से $35 गिन रहे हो या 130 से 35 गिन रहे हो, जो भी करंट प्राइस है अगर वहां से डिस्काउंट होता है या फिर एक फिक्स प्राइस की डील भी हो जाए तो भी मेरे ख्याल से वो बुरी नहीं होगी, क्योंकि एटलीस्ट आपके सप्लाई इंश्योर है, भाव इंश्योर्ड है। तो आई थिंक ये एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। आईओसी जरा इसके चार से एक बार सुमित जी राय दीजिए। बाउंस बैक तो देखिए आ रहा है, जैसे ये न्यूज आई वैसे ही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अब टेक्निकली चार्ट के ऊपर अगर जाएंगे तो 120 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग देखने को मिलती है आईओसी के अंदर, तो फिर स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़ेगा और ऊपर में 124 रुपए से लेकर 125 रुपए तक कम हो आईओसी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये है आईओसी, आज निफ्टी के बाहर इसका पहला दिन है और अच्छी खबर के दम पर ये एक्शन में आ रहा है। एचपीसीएल भी एक्शन में आ रहा है, एक बार देख लेते हैं बीपीसीएल पर भी क्या है। बट यूजुअली जब ये बात आती है सब